भी हमने कि आप जब भी आए, जो भी आए वो अपना ऑटोग्राफ देके जाएं और फिर हम आपके फैंस को तस्वीरें भेजते भी हैं। अच्छा दिल, ये बताएं कि पहला ऑटोग्राफ याद है आपको, जब पहला ऑटोग्राफ दिया था? आई थिंक याद है। क्या क्या स्टोरी थी बताइए, जरा शेयर करें। स्टोरी उसकी ये थी कि उस वक्त नया नया 3x3 हो रहा था, 96 की शायद बात होगी, और हम कराची गए थे किसी कॉलेज में, कोई इवेंट था, उसमें मैं बुला लिया। अच्छा, तो वहाँ पे एक लड़की थी जो मेरी फैन थी, तो उसने कहा कि वो सब ले रहे थे जवाद बशीर का और फैसल कुरैशी का, राइट, तो एक लड़की, और मैं देख रहा हूँ सबको हैं, हेलो हेलो, तो फिर एक लड़की है कि हाँ आई एम अ बिग फैन, तो आप, तो वो मुझे कभी नहीं भूलेगा, है ना, वो भूलता सारे एक तरफ, वो एक तरफ, और लड़की आपकी तरफ ही आई थी, मेरी तरफ ही आई थी, या शायद रश था वहाँ पे इसलिए आई थी। बेगम भी। अच्छा जी, अच्छा जी, ये फिश मनीमी और ये बड़ा हॉट एंड सॉर सूप इन्होंने किया है, इफ यू वांट टू ट्राई सम। अदील, मुझे ये बताएं कि आप म्यूजिक से भी सुनाएं, बड़ा लगाव है आपको, और आपको, हाँ यार म्यूजिक पियानो बजाते हैं। अच्छा, सारी खबरें हैं ये तो अभी, कुछ गलत है, कुछ दुरुस्त है, लेकिन खबरें सारी हैं। हाँ, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है और मैंने बहुत साल सीखा है पियानो। अच्छा। और वेस्टर्न क्लासिकल सीखा है, और मैंने कुछ अरसा वायलिन भी सीखा है। अच्छा, बजा लेते हैं प्रॉपर? नहीं प्रॉपर नहीं, वो मुश्किल साज है, मुझे पहले ही पता था, तो हम आपके लेके आते हैं पियानो, आपका जरा टेस्ट लेते हैं, कितना आपने, इतना अरसा, कितना अरसा सीखा है म्यूजिक? 2-3-4-5 साल। फिर हम लोग छोटे छोटे इवेंट्स भी करते हैं। अच्छा, अपने फैमिली को बुला के, मेरा कोई इवेंट हो तो मैं आपको, डन हो गया, डन हो गया। लेकिन पता नहीं कैसा बजाते हैं, पहले मैं चेक तो करूं। यार मैं जा रहा हूँ यार यहाँ से। अच्छा अदील, कौन सी मतलब एक कोई एक्ट्रेस या जिसके को बचपन से आपको क्रश हो और उनके साथ कभी आपने सोचा होता ना, हर बच्चे को होता है कि मैं इसके साथ हीरोइन हूँ या मेरी फेवरेट है, कौन सी एक्ट्रेस थी वो, पाकिस्तानी या इंडियन? यार बचपन से मुझे आप पे क्रश था, जब से मैंने आपको देखा ना, आप उस वक्त सितारे अरूज पे थी, उस वक्त अब तो खैर चले जो, लेकिन उस वक्त जब मैं छोटा था तो आप। अदील, ये जो छोटे वाली बात है, आपने ड्रामा किया ना, आप मेरे से बहुत बड़े हैं। यार मैं एक्चुअली पाकिस्तान में तो कोई ऐसा किसी का फैन नहीं हूँ कि जी मैं बचपन में कहूँ कि यार इनके साथ मैंने कभी एक्टिंग करनी, लेकिन वैसे मैं 2-3 का फैन हूँ, सबा हमीद का मैं फैन हूँ एक्टिंग में, और रीमा का मैं फैन हूँ, और आपका तो खैर हुई मैंने बताई दी, एहतियातन बता देना चाहिए, मुंह पे मक्खन, एहतियातन कह देना चाहिए ना यार, मैं कभी आया हूं तो अब ये ना हो कि बाद में कहे कि अब ना नेक्स्ट टाइम भी तो आइंदा भी तो बुलाना होगा ना कभी। अच्छा जी, खाना थोड़ा सा ट्राई करेंगे वैसे, फिश? हां हां, इसको क्या करना होता है, ये गार्लिक ब्रेड इवन किया, फिश एक बार बता दें जी किस तरह आपने मसाला जो है तैयार किया है। तो फिश ये, अरे वाह वाह, ये तो वैसे भी ये नहीं फोक, अरे बताएं ना यार, लोगों के खाते रहते हैं, उसकी बातें लोगों को बता रहे हैं, मतलब ये आते रहते हैं खाने के लिए, आते रहते हैं खाने के लिए, क्या बात है, घूमने मिलके। आपका फेवरेट कौन सा रेस्टोरेंट है वैसे लाहौर में, क्या खाना पसंद है? डायनेस्टी, चाइनीज, वे उनका चाइनीज होता भी बहुत अच्छा है, तो चाइनीज घर में भी चाइनीज ज्यादा खाना पसंद करते हैं। काम करें, बातें उनसे करें ताकि मेरा फिश काफी बहुत ही मजे की है भाई, इसकी तरीका बता दे, आप तरीका बताएं, मैं भी थोड़ी से खा लूं। जी हां, इसका तरीका दोबारा से रिपीट करते हैं, इसमें हमने एक दही लिया, 3 पाव दही है, सॉरी 300 ग्राम दही है, और उसमें हमने गर्म मसाला, उसमें हमने लेमन जूस, कुटी हुई लाल मिर्च, और उसमें हमने जीरा पाउडर और अजवाइन उसमें डाली है, और उसमें धनिया पाउडर हमने डाल के और उसे अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया, थोड़ा सा येलो कलर हमने इसमें फूड कलर डाला है ताकि थोड़ा सा कलर इसका वो, उसे मैरिनेट करके हमने रख लिया काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद बेसन को जब हम पकाने लगे हैं, पैन में ऑयल गर्म किया हमने थोड़ा सा, और उसमें हमने कोट किया है इसको फिश को, फिर उसके बाद हमने पैन में डाल के इसे पकाया, और जबरदस्ती मजेदार बनी हॉट एंड सॉर की। तो वैसे पहले हम बता भी चुके हैं रेसिपी, आप हम अगर आपने नोट नहीं की तो रिपीट में रात को देख लीजिएगा। हमारे जो नोकिया X101 जिन्होंने विन किया है वो आमना पेशावर से, और सही जवाब है कि कायदे आजम की डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 25th December विच इज कमिंग, और क्रिसमस का दिन भी होता है, तो हमारे जो नसीब बहन भाई हैं उनको हमारे तरफ से एडवांस में क्रिसमस में मुबारक, और 25th क्योंकि कायदे आजम की बर्थडे का भी दिन है तो हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। आमना जी, आपको बहुत मुबारक हो, नोकिया X101 जैसे ही आपको मोबाइल मिले आप हमें कॉल जरूर करेगा, और अगर अदील साहब का खाना हो गया हो तो आप कोई बात कर सकते हैं। यार मुझे आपने कोई फिश नहीं दी यार, खाली प्लेट दे दी आपने यार। ओह माय गॉड, ऐसा क्या करेंगे आप, इतना बड़ा ड्रामा है ना। अच्छा अदील, आपके नाम का क्या मतलब है? यार मेरे नाम का मतलब ये अदल से आदिल होता है, और आदिल की एक और फॉर्म है अदील, जो बहुत ज्यादा इंसाफ करे।
आप इंसाफ और मैं करता हूँ इंसाफ। अच्छा ये नाम का बिकॉज हमने आज ये टॉपिक भी लिया था कि नाम का बहुत असर होता है आपकी पर्सनालिटी पे, डू यू बिलीव इन दैट? आपने अपने बच्चों का नाम कुछ सोच के रखा या? मैं सुन रहा था उस वक्त तो मेरी बेटी का नाम भी जैनब है ना। तो जैनब कहते हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, जरा नहीं रखना चाहिए। मैं नहीं इन बातों में बिलीव नहीं करते, हालांकि मेरा नाम जो है उस मैं इंसाफ तो बहुत करता हूँ और मुझे नाइंसाफी से जितनी ज्यादा नफरत है दुनिया में किसी चीज से इतनी नफरत नहीं। तो फिर ये इसका मतलब कि आपका पर्सनालिटी जरूर मेरे साथ तो है। और वो फैज साहब का भी लतीफा है कि किसी ने कहा कि जी फैज साहब किसी आपके वालदा ने मोहब्बत में नाम फैज रखा था तो आप सीरियस हो गए, आपकी तबीयत ही फैज फैज वाली हो गई है। लेकिन मुझे ये जो भारी हल्का थोड़ा सा भारी थोड़ा कम भारी थोड़ा ज्यादा भारी 1.5 किलो का 2 किलो का 10 किलो मुझे इससे नहीं। जो आपको खूबसूरत लगे नाम, जिसके मायने खूबसूरत लगे, अगर आपने किसी तारीखी शख्सियत पे रखना तो उसकी आपको अच्छी लगे सीरत बिल्कुल, तो वो भारीपन या हल्कापन। लेकिन मुझे ये लगता है कि मिजाज जरूर, मिजाज में कहीं ना कहीं जैसे आपने अदील अपना बताया, फैज साहब का भी जैसे आपने वो बात बताई कि मिजाज में आपका नाम का जो असर वो जरूर आता है। अच्छा जी बहुत शुक्रिया अदील, पता ही नहीं चला अभी इतने सारे मैंने सवाल करेंगे, बट यू हैव टू कम अगेन, थैंक यू बिलाल। कल इंशाल्लाह बेग पालक की रेसिपी बनाएंगे। आई होप कि आपको आज का शो हमारा अच्छा लगा होगा, अदील से मुलाकात करना अच्छा लगा होगा, हमारे नामों का जो हमने आपको एक बताया कि जी लोगों जैसे इनका कॉन्सेप्ट है कि बिलीव नहीं करते, वो भी आपने इंजॉय किया होगा। फिर भी अपने नाम बच्चों का जो भी नाम रखें प्यारे से नाम रखें और देख के रखें कि उनकी पर्सनैलिटी आप किस तरह से डेवलप भी करना चाहते हैं, पॉजिटिव नाम रखें। और जनाब कल हम आपसे मिलेंगे, और कल क्योंकि मैडम नूर जहाँ की बरसी का दिन है तो कल हम मैडम नूर जहाँ के लिए स्पेशल जो है ना वो प्रोग्राम कर रहे हैं और उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे, तो कल का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अदील वंस अगेन, यू टेक केयर ऑफ सेल्फ, अल्लाह हाफिज़, आई विल सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।